आपदा को लेकर की चर्चा। यूपी सीएम योगी ने निर्देश पर हरिद्वार को बनाया गया कंट्रोल रूम। सीएम रावत ने किया करोड़ों की लागत से बनी विकास योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास। 2.37 करोड़ लागत में बिलासपुर पुल का किया गया लोकार्पण। सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत पहुंचे तहसील मोड़ी। मुख्यमंत्री ने मोड़ी में डिग्री कॉलेज खोलने की घोषणा। पुरोला विधानसभा में करोड़ों विकास पर योजनाओं की दी सौगात। जोशीमठ में आई आपदा के बाद रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी। 32 लोगों का शव हुए अभी तक बरामद। अभी तक 174 लोग हैं लापता। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने सचिवालय में यूपी के कैबिनेट मंत्री सुरेश राणा, राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार डॉक्टर धर्म सिंह सैनी और विजय कश्यप से मुलाकात की। उन्होंने जोशीमठ के रैनी क्षेत्र में आई आपदा से संबंधित बचाव और राहत कर्मियों को संबंधित मुख्यमंत्री से चर्चा की। कैबिनेट मंत्री सुरेश राणा ने मुख्यमंत्री को अवगत कराया कि यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश दिया है, जिसके बाद से आपदा पीड़ितों की सहायक के लिए हरिद्वार में कंट्रोल रूम स्थापित किया गया है। वहां पर एडीएम स्तर पर अधिकारियों को जिम्मेदारी सौंपी गई है। कैबिनेट मंत्री ने मुख्यमंत्री को यह भी अवगत कराया कि मुख्यमंत्री योगी ने उत्तराखंड सरकार को इस आपदा के संकट पर सहयोग देने की बात कही है। उन्होंने कहा कि यूपी में काफी संख्या में लोग इस क्षेत्र में विद्युत परियोजनाओं में काम कर रहे हैं। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आभार जताया। कहा कि आपदा में फंसे लोगों को राहत पहुंचाने के लिए सभी एजेंसियों का सराहनीय सहयोग मिल रहा है। उन्होंने बताया कि रैनी से लेकर नदी तटों के सभी स्थलों पर व्यापक खोजबीन की जा रही है ताकि लापता लोगों का पता लगा सके। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने मसूरी विधानसभा क्षेत्र में निवासियों को करोड़ों रुपए की लागत में विकास योजनाओं की सौगात दी। मुख्यमंत्री ने 2.37 करोड़ लागत में बीड़पुर पुल का लोकार्पण करने के लिए साथ ही कुल 31 करोड़ रुपए की लागत में योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इससे पहले मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने शहीद दुर्गमल्ला की मूर्ति पर माल्यार्पण और श्रद्धांजलि अर्पित की। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने मसूरी विधानसभा क्षेत्र के लिए कई घोषणाएं भी की। गड़ी कैट स्थित शहीद दुर्गमल्ला योग पार्क में आयोजित लोकार्पण और शिलान्यास कार्यक्रमों में मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि हमारी सरकार विकास के लिए समर्पित है। राज्य के समग्र और विकास के साथ ही भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन का हमारा प्रयास है। उन्होंने कहा कि विकास योजनाओं में हमारी जरूरत है। सड़कों के विकास के प्रति भी हमारी विशेष ध्यान है। सड़कें विकास का मानक तय करती है। आज विकास योजनाएं निर्धारित समय से पहले तैयार हो रही है, जिनमें करोड़ों की बजट भी राज्य सरकार को हो रही है। मुख्यमंत्री ने मसूरी विधायक गणेश जोशी को जन समस्याओं के प्रति जागरूक बताते हुए कहा कि पिछले 4 साल में मसूरी क्षेत्र में 500 करोड़ की योजनाएं स्वीकृत की गई है। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने विधानसभा पुरोला के करोड़ों विकास पर योजनाओं की सौगात दी। मुख्यमंत्री सीमांत तहसील मोड़ी पहुंचे, जहां उन्होंने 28 करोड़ 92 लाख के अलग अलग योजनाओं का लोकार्पण किया और 17 करोड़ 45 लाख हजार विकास कर्मों का शिलान्यास किया। इस दौरान 17 करोड़ 45 लाख 47 हजार के विकास कार्यों का शिलान्यास किया गया है। इस मौके पर उन्होंने मौरी के राजकीय महाविद्यालय खोलने सहित कई घोषणाएं की। मुख्यमंत्री रावत ने एसडीएम से कहा कि यदि कोई भवन उपलब्ध हो जाए तो आगामी शिक्षा सत्र से ही इस महाविद्यालय के शिक्षण कार्य शुरू करवाया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तरकाशी के जिला सीमांत जरूरी है, लेकिन यहाँ के लोगों में आगे बढ़ने का जज्बा है। मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना का लाभ उठाने में उत्तराकाशी नंबर पर है।
मनरेगा के तहत भी 100 दिन में सबसे अच्छा काम उत्तरकाशी जिले में हुआ है। हमारी सरकार ने मनरेगा का कार्य दिवस 100 से बढ़ाकर 150 किए हैं, ताकि ऐसी ही मेहनत कश लोगों को इस योजनाओं का और अधिक लाभ मिल सके। खुशी की बात यह है कि उत्तरकाशी जिले में सबसे ज्यादा 4,882 लोग 100 दिन में पूरे कर चुके हैं। उन्होंने कहा कि उत्तरकाशी खासकर यमुना वैली मोरी के से उनका पुराना नाता है। मैं यहाँ अक्सर आता हूँ, इसलिए घाटी की समस्या से भली भांति वाकिफ हूँ। इस खबर पर तमाम जानकारी के लिए हमारे संवाददाता अमित नोटियाल मौजूद हैं। अमित, जिस हिसाब से मुख्यमंत्री ने करोड़ों रुपए की सौगात दी है, इस सौगात से जनता को क्या कुछ लाभ मिलेगा? बिल्कुल सोनाल जी, मैं बता दूं, उत्तराखंड इस समय आपदा से वंचित है, आपदा से जूझ रहा है, लेकिन फिर भी सीएम पूरे जो उत्तराखंड के जिले लगातार, वहां की अगर बात की जाए तो जो चमोली में आपदा है उस पर भी नजर बनाए। अगर बात की जाए तो यहाँ पर आज उत्तरकाशी के जो मोरी है वहां पर पहुंचे, वहां उन्होंने 46 करोड़ योजनाओं के शिलान्यास और लोकार्पण किया। आपको बताते चले क्योंकि ये विधानसभा कुरोला में आता है और मुख्यमंत्री ने जो सभी जिलों में भ्रमण बनाया था उसके अंतर्गत मुख्यमंत्री आज उत्तरकाशी जिले पहुंचे और मुख्यमंत्री ने वहाँ की मूलभूत सुविधाओं से वंचित बात, चाहे सड़कों की पुल की बात हो, तो सभी लेकर मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने सभी जो कार्य उनको हामी भरी। अगर बात की जाए तो यहाँ पर जो पुरोला जो ट्रांजिट निर्माण, इसके लिए भी सीएम ने इसके लिए राशि घोषित की है और वहाँ पर जो सबसे बड़ी घोषणा है कि वहाँ पर जो बच्चे थे उनके लिए डिग्री कॉलेज की बड़ी समस्या और इससे काफी लोगों को दूर जाना पड़ता था, इसलिए मुख्यमंत्री ने वहाँ भी मोरी में डिग्री कॉलेज की खोलने की घोषणा की। इसके साथ साथ उन्होंने कहा कि उत्तरकाशी एक ऐसा जिला है, यहाँ पर जो मनरेगा, यहाँ पर 70% लोगों की हाजिरी है, लोग यहाँ पर मनरेगा के तहत लोग रोजगार कर रहे हैं। इसके अगर बात की जाए तो मुख्यमंत्री ने कहा है कि हमारी सरकार ने पहले मनरेगा में 100 दिन थे तो अब 150 हो गए और वहीं जो मुख्यमंत्री है मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र रावत ने लगभग जो आज लोकार्पण शिलान्यास का कार्यक्रम किया और इसके साथ मुख्यमंत्री के साथ वहां के जो क्षेत्रीय विधायक वो भी मौजूद रहे और जो जनपद उत्तरकाशी के प्रभारी है धनसिंह रावत वो भी मौजूद रहे। उन्होंने कहा है कि हमारे जो सरकार 17 वर्ष के दौरान जितनी भी सड़कें बनी है संख्या में कम से कम 124 सड़कें जो पीछे बनी है और उन्होंने बताया कि लगभग जो सीमांत, जैसे हमारे उत्तराखंड में सीमांत जनपद है, चाहे उत्तर के भी बात की चमोली की बात की जाए तो यहाँ पर कम से कम 127 पुलों के निर्माण का बजट स्वीकृत हो गया है और जो प्रदेश में जो सरकार ने जो सड़कों का जाल बिछाया वो हमारी सरकार ने बिछाया है और इसके साथ साथ उन्होंने जो मूलभूत सुविधा थी पुरोला विधानसभा के अंदर अंतर्गत गांव आते गुंदियाट गांव, चाहे सुनाली के गांवों की बात की जाए तो लगभग यहाँ पर सभी शिक्षा स्वास्थ्य सभी तीनों क्षेत्र में मुख्यमंत्री ने यहाँ पर योजनाओं का लोकार्पण शिलान्यास किया। जी सोनाली, अमित इस दौरान सीएम ने किन किन क्षेत्रों में विकास को लेकर घोषणा की है? बिल्कुल सोनल जी, मैं बता दूं अगर बात की जाए तो पुरोला के समीप में बंकवाड़ मोटर मार्ग और इसके साथ नौगांव में हॉस्टल और बंकोली में राजकीय उस पर माध्यमिक विद्यालय के यहाँ पर जो सुदृढ़ कारण होना उसके लिए 68 लाख उन्होंने घोषणा किया। इसके साथ जो मोटर मार्ग खरसाने से जीवाणु वहाँ उन्हीं की भी उनको घोषणा की है। इसके साथ जो शिलान्यास जो कार्यक्रम था देवदानी गोटुड़गाट के जो क्षतिग्रस्त पैदल मार्ग था उसका भी खुले निर्माण के लिए उन्होंने धनराशि स्वीकृत किया। इसके साथ साथ उन्होंने जो बुनियाद गांव सुनाली कालसी आदि कई गांव है तो उनको लेकर भी घोषणा की है और उसके बाद मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जो यहाँ पर एक आस्था का प्रतीक और यहाँ पर लोग दूर दूर से श्रद्धालु आते हैं तो उन्होंने जो मुख्यमंत्री ने मांसु देवता मंदिर है हनोल में यहाँ पर उन्होंने मत्था टेका और जो उन्होंने प्रदेश की खुशहाली के लिए कामना की। इसके साथ जोशीमठ क्षेत्र में आई आपदा उसमें मृत लोगों की आत्मा शांति के लिए भी उन्होंने प्रार्थना की और उन्होंने मुख्यमंत्री को जो कार्यक्रम यहाँ पर किया था मुख्यमंत्री को जनदेश समिति ने यहाँ पर स्मृति चिन्ह भी भेंट किया है और इसके बाद जो हिमाचल से लगी सती सीमा है वहाँ पर त्यूनी नामक स्थल वहाँ भी सीएम गए। जी सोनल, अमित सीएम ने घाटी की समस्याओं के निदान को लेकर क्या कुछ कहा है? बिल्कुल
सोनल जी मैं बता दूं यहाँ उत्तरकाशी की जो मूलभूत सुविधाओं से वंचित रह रहे थे लोग, उसमें मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने मरहम लगाया। अगर बात की जाए तो यहाँ पर सड़कों की बड़ी दिक्कत हो रही थी, और इसके साथ जो इस शिक्षा के क्षेत्र की बात की जाए तो यहाँ पर उत्तर माध्यमिक विद्यालय की बात की जाए, चाहे डिग्री कॉलेज में विशेष उन्होंने डिग्री कॉलेज है तो उसके लेकर उन्होंने वहाँ पर घोषणा की कि मौर्य में एक डिग्री कॉलेज बनाया जाए ताकि कोई भी छात्र जो दूर है उनको ज्यादा दूर पैदल न चलना पड़े। और मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर कहा है कि हमारी जो हमारी सरकार इसमें जो सड़कों का जाल बिछाया जाए, पुल की बात की जाए और कई सड़कों की बात की जाए। उन्होंने कहा है जो मनरेगा के तहत पहले पूर्ववर्ती सरकार जो कांग्रेस की रही है उन्होंने 100 दिन का रोजगार दिया था, मनरेगा के तहत 100 दिन का रोजगार मिलता था, लेकिन अब उन्होंने 100 से बढ़ाकर उसको 150 कर दिया। तो मुख्यमंत्री ने कहा है कि अब लोगों को एक रोजगार के अवसर प्राप्त हो गए क्योंकि 50 दिन और बढ़ाए गए, इसके तहत भी सभी लोगों को रोजगार मिल रहा है। अगर बात की जाए तो यहाँ पर उत्तरकाशी जिला मनरेगा के सबसे यहाँ पर 100% हाजिरी, लोग इसमें बढ़ चढ़ कर प्रतिभा करते हैं और रोजगार के अवसर प्राप्त करते हैं। उन्होंने कहा है कि मुख्यमंत्री जो मुख्यमंत्री योजना के तहत होम स्टे रोजगार योजना है, तमाम प्रकार की जो योजना है उसका लाभ लोगों को मिल रहा है। और उन्होंने साथ साथ ये भी कहा है कि हमारी सरकार होम स्टे योजना के तहत कई लोगों को रोजगार दे रही है। इससे पहले मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने देहरादून में यहाँ पर किसानों को मरहम लगाया था, लगभग 3 लाख रुपए बिना ब्याज मुक्त ऋण दिया था। तो इससे भी अंदाजा लगाया जा सकता है कि किसानों को कितनी योजनाओं का लाभ मिल रहा है। तो मुख्यमंत्री ने कहा है कि जो योजना आई है 3 लाख लोगों को, उन्होंने सभी किसानों से अपील की है कि आप इस जो 3 लाख लोन जो 3 लाख का ऋण मिल रहा है इसको भी लो, क्योंकि इससे लोगों के रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे और उनकी आजीविका के साधन बढ़ेंगे। जी 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 अमित, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने मौरी में आयोजित कार्यक्रम के बाद सड़क मार्ग से हरनौल पहुंचे, जहां उन्होंने महासू देवता मंदिर में माथा टेका और पूजा अर्चना कर प्रदेश की खुशहाली के लिए कामना की। इस दौरान उन्होंने जोशीमठ के क्षेत्र में आई आपदा में मृत लोगों की आत्मा की शांति और लापता लोगों की सुख सकुशल मिलने की प्रार्थना की। मंदिर समिति ने मुख्यमंत्री को स्मृति चिन्ह भेंट किया। उनके बाद मुख्यमंत्री ने हिमाचल प्रदेश की सीमा से लगी तहसील त्योणी के लिए प्रस्थान किया, जहां वे अलग अलग योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे। इस दौरान उच्च शिक्षा सहकारिता मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत, विधायक मुन्ना सिंह चौहान, जनजातीय आयोग के अध्यक्ष मूर्ति राम शर्मा, जिलाधिकारी देहरादून आशीष श्रीवास्तव मौजूद थे। जोशीमठ आपदा के रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद राहत बचाव दल दिन रात काम में लगे हैं। अभी तक कई लोगों को बचाया जा चुका है, जबकि कई लोगों के शव बरामद किया जा चुका है। अभी तक मिली जानकारी के अनुसार 32 लोगों के शव को मिल चुके हैं और 174 लोग अभी भी लापता है। इस रेस्क्यू ऑपरेशन में आईटीबीपी, एसडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें जुटी हुई है। वहीं सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत के निर्देश के बाद पुल बह जाने की वजह से जो 13 गांव अलग थल पड़े हैं, उन गांवों में हेलीकॉप्टर और जिप लाइन के जरिए राहत सामग्री पहुंचाई जा रही है। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने घटना पर लगातार नजर बनाए हुए हैं। फिलहाल अभी भी जो टनल में 35 लोग फंसे हैं, उनका बचाव जहोजद जारी है। वही समय पर आवश्यक दिशा निर्देश भी जारी किए गए हैं, लेकिन इस सबसे बाद भी रेस्क्यू ऑपरेशन अपने अंजाम तक नहीं पहुंच पा रहा, क्योंकि दूसरे टनल में फंसे करीब 30 से 35 मजदूर तक पहुंचाने का मार्ग अभी भी ब्लॉक है। सभी एजेंसियां रास्ते को साफ कर मजदूरों तक पहुंचने का प्रयास कर रही है। जोशीमठ आपदा के रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए राहत बचाव दिन रात काम पर लगे हुए हैं। अभी तक कई लोगों को बचाया जा चुका है, जबकि कई शवों को बरामद किया जा चुका है। इस दौरान 32 लोगों के शव बरामद किए गए हैं, 174 लोग अब भी लापता हैं। इसको लेकर रेस्क्यू ऑपरेशन में
आईटीबीपी, एसडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें जुटी हुई है। इस दौरान सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने हमारे ब्यूरो चीफ कमल शर्मा मौजूद है तमाम जानकारी देने के लिए। कमल, अब तक 174 लोग लापता बताए जा रहे हैं, इसको लेकर क्या कुछ जानकारी है? हाँ सोनाली, अगर कहें तो ये रविवार की घटना थी और आज लगभग हम माने तो 4 दिन हो गए हैं और लगातार अगर जब से ये घटना हुई है उसी समय से ही अगर देखें तो राहत कार्य शुरू हो चुके थे, लेकिन लगातार बचाव कार्य जारी है। सेना की टीमें लगी हुई हैं, एटीबीपी की लगी हुई है, एसडीआरएफ लगी और अन्य जितने भी चीजें लगी है, लेकिन जो सबसे बड़ी समस्या जो आ रही है जो टनल है लगभग 2.5 किलोमीटर की, जिसमें लगभग अगर हम कहें तो लगभग 40 से 50 लोग यहाँ वहां पर उसमें फंसे हुए हैं बताया जा रहा है, वो नहीं निकल पा रहे हैं। उसके लिए जब 3 दिन से लगातार 24 घंटे उसमें काम चल रहा है, मलबे को निकाला जाए, जैसे उन आदमी को बाहर निकाला जाए क्या स्थिति है, पर उसमें अभी सफलता नहीं मिली। कहीं प्रयास किए गए, काफी अंतर तक गए, लेकिन जिस साइड जाता दूसरी साइड से मलबा आ जाता है तो कहीं ना कहीं उसमें काफी दिक्कतें आ रही हैं। तो उसके लिए अब कहीं नई टेक्नोलॉजी का इंतजाम बीच में किया गया, उसमें कुछ ऐसा सुराग किया गया कि जिसे अगर वहां लोग अंदर हैं तो उनको सांस मिलता रहे, कुछ ऐसी व्यवस्था की गई है। और साथ ही सबसे बड़ी बात, अब ड्रोन और किसी अन्य लेजिंग माध्यम से भी देखा जा रहा है कि कौन पूरी टनल में कहां कहां कितना मलबा है, क्या क्या, उसके लिए भी प्रयास किए जा रहे हैं कि पूरी नई तकनीकी से पता चल पाए, तो उसी प्रयास से लगे हुए हैं। और लगभग हम बात करें चले तो 32 लोगों के सब जो अभी तक मिल चुके हैं और लगभग 200 लोग जो अभी भी लापता बताए जा रहे हैं, जो एक्चुअली पिक्चर आ रही है। तो कहीं ना कहीं सरकार का यही है कि जो लोग टनल पे हैं उनको किसी तरह से देखा जाए, वो टनल खोली जाए, जो लगभग 2.5 किलोमीटर टनल है वहां इतना मलबा आ चुका है, वहां स्थिति देखी जाए, तो उसी में युद्ध स्तर जारी है। साथ ही हम बात करें दूसरी जो अन्य गांव से जो कट चुके हैं से वहां भी लोगों राहत पहुंचाई जा रही है और ऐसी व्यवस्था की जा रही है कि जो पुल नहीं है कुछ ऐसी व्यवस्था की जाए जो लोगों आने जाने का रास्ता बन जाए, इसके लिए भी सरकार प्रयासरत है। पर सबसे बड़ी जो बात चैलेंज है, जो सबसे बड़ी चुनौती है, वो जो 2.5 किलोमीटर जो सुनंग है, टनल है, जो उसको कैसे खोला जाए, उसके लिए प्रयास लगातार है। उसके लिए नई तकनीक का इंतजाम भी किया जा रहा है, जिससे जल्दी से भी पता चले कि किस साइड कितना मलबा है, किस साइड क्या पोजीशन है, उसको देख के देखा जाए। इस चीज में पूरे प्रयास सब लगे हुए हैं और कहीं ना कहीं अगर जैसा प्रयास चल रहा है कहीं ना कहीं सफलता मिलेगी, तो पता चलेगा कि वहां के अंदर की स्थिति क्या है। लोगों, कमल जी, अब भी 30 से 35 मजदूर टनल में फंसे हुए हैं, इसको लेकर क्या कुछ प्रयास किया जा रहा है? हाँ सोनाली, सबसे बड़ी बात यही है, मैंने कहा था कि उसी के टनल के लिए मेन प्रयास किया जा रहा है, क्योंकि सबसे बड़ी बात है वो इतनी बड़ी टनल है और सारा जो मलबा है वो पूरी टनल में गया, टनल बिल्कुल बंद हो गई है। काफी कुछ लोग मलबा निकाला भी गया है, काफी अंदर तक लोग जवान गए हैं, एसडीआरएफ के गए हैं, सेना गए हैं, टीपीपी गए हैं, पर लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जब एक साइड से मलबा तो दूसरी साइड से मलबा आ जाता है, ये एक बहुत बड़ी परेशानी का कारण देखा जा रहा है। तो मैंने बताया कि अगर वहां लोग अंदर हैं तो उनको एक ऐसा एक ड्रिल सुराग भी किया गया है ताकि कोई सांस लेने कोई हवा जाए या कुछ ऐसा सांस लेने के ऑक्सीजन से मिले, कुछ ऐसा रास्ता बने। और उसके बाद अब ये भी लेजर तकनीक आज देखा जा रहा है किसी तरीके से कि वहां ये देखा जाए कितना मलबा है, क्या चीज है, इस चीज के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। तो सबसे बड़ी जो चुनौती है राहत के लिए कि वहां पर जो टनल है वहां से जो आदमी फंसे हुए हैं उनका कैसे इनको निकाला जाए, टनल कैसे खाली की जाए, तो उसके लिए प्रयास जारी है, जिसके लगातार अगर हम कहें तो रविवार से ही उसमें काम चल रहा है और जुटे पड़े हैं। तो कहीं ना कहीं जिस हिसाब से व्यवस्था चल रही है तो कहीं ना कहीं इसमें सफलता जरूर मिलेगी। कमल जी, 13 गांव अलग थलग पड़े हुए हैं पुल टूट जाने की वजह से, क्या हेलीकॉप्टर जीप के द्वारा उन्हें राहत सामग्री पहुंचाई जा रही है? हाँ बिल्कुल सही बात है सोनाली, अगर कहें तो हम वहां बात बिल्कुल भी वहां पर व्यवस्था की जा रही है, वहां पर हेलीकॉप्टर के माध्यम से मेडिकल टीम वहां पर है, वहां सब चीज की जा रही है। और गांव भी वहां इतने इंटीरियर में है, जो लोग हैं लगभग 360 परिवार हैं उन इलाकों में जो काफी दूर तक फैले हुए हैं, एकदम चाइना बॉर्डर तक लोग हैं। तो वहां पर आईटीबीपी के लोग अन्य लोग पिट्ठू में बांध सामान बांधकर लगभग पैदल चढ़ना पड़ता है ऊपर, वो व्यवस्थाएं कर रहे हैं, कहीं जगह हेलीकॉप्टर की व्यवस्थाएं की जा रही हैं। तो अलग अलग तरीके से किया जा रहा है कि जल्दी जल्दी वहां पर कहीं जगह बिजली जहां नहीं है वहां व्यवस्था की जाए। तो लगभग सरकार की यही है, जो वहां से टीमें लगी हुई है लगातार, मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत लगातार मॉनिटरिंग में लगे हुए हैं, वो यही देख रहे हैं कि कहीं किसी प्रकार की प्रॉब्लम ना आए। और सबसे बड़ी बात चुनौती यही है, मैंने कहा जो 2.5 किलोमीटर जो टनल है उसको जल्दी से जल्दी खाली किया जाए, उसको जल्दी से खोला जाए और वहां पर जो लोग हैं उनकी स्थिति देखी जाए कि उनकी स्थिति क्या है।
चलिए कमल जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी देने के लिए। लालकुआ स्थित सिंचुरी प्लम्ब एंड पेपर मिल में पर्वतीय क्षेत्रों के लोगों के लिए स्वरोजगार देने के और जंगलों को आग से बचाने के लिए एक नए प्रोजेक्ट की कार्य योजना तैयार की गई है, जिसमें गौरा पर्वतीय क्षेत्रों के ग्रामीणों को पिरूल खरीदकर और उसके ब्लॉक बनाकर ईंधन के रूप में इस्तेमाल किया गया है। इस प्रोजेक्ट के लिए मिल प्रबंधक पहले साल CRR फंड में 50 लाख रुपए खर्च करेगी। इस प्रोजेक्ट के लिए मिल प्रबंधक 50 लाख खर्च करेगी, जबकि 2.5 करोड़ रुपए आसपास के क्षेत्रों में अन्य विकास कार्यों के लिए खर्च किया जाएगा। सिंचुरी पेपर मिल के CIO JP नारायण ने दिनों उनकी मुलाकात प्रदेश के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत से हुई। वहीं मुख्यमंत्री ने पिरूल मेक के माध्यम से पर्वतीय क्षेत्रों के लोगों को रोजगार देने और जंगलों को आग से बचाने के ड्रीम प्रोजेक्ट के बारे में चर्चा हुई, जिस पर मिल प्रबंधक ने मुख्यमंत्री के ड्रीम प्रोजेक्ट पर पूरी कार्य योजना तैयार कर ली, जिसके तहत मिल प्रबंधक पर्वतीय क्षेत्र ग्रामीण के पिरूल खरीदकर उन्हें ब्लॉक बनाएगी। हम जो योजना आपको बताते हैं उसको हम पूरी को एग्जीक्यूट भी करते हैं। हमने पिछले साल बताया था कि हम 2 करोड़ रुपए उसमें खर्चेंगे, वो सारी योजनाएं जिस तरीके से हमने बताई थी वैसे पूरी की है, और अगले साल हम 3 करोड़ खर्चेंगे, जिसमें से एक सबसे बड़ा पेरूल प्रोजेक्ट है। और पेरूल प्रोजेक्ट में क्या है कि हम डिस्ट्रिक्ट नैनीताल से पेरूल इकट्ठा करके लाएंगे ग्रामीणों की सहायता के साथ, और जो जितना इकट्ठा करेगा उसको उसी के डायरेक्टर के हिसाब से पेमेंट करेंगे। इसी खबर पर तमाम जानकारी के लिए हमारे संवाददाता उमेश राणा मौजूद हैं। उमेश, ये जो नए प्रोजेक्ट जो किया गया है इसको लेकर जनता को क्या कुछ लाभ मिलेगा? सोनाली जी, पर्वतीय क्षेत्र में चीड़ के बहुत अधिक देर होते हैं और इसकी जो पत्ती झलझल गिरती है वो आग का बहुत बड़ा कारण बनती है, जिसे आए दिन उत्तराखंड के जंगलों में आग देखने को मिलती है, भयंकर आग लगती है। तो उस पत्ती को पिरूल नाम दिया जाता है। सेंचुरी पेपर मिल ने एक प्रोजेक्ट के तहत उस पिरूल को इकट्ठा कराकर खरीदने की मांग की है और उसके बाद उसके ब्लॉक बनाकर उसको ईंधन के रूप में यूज किया जाएगा। हमारे क्षेत्रवासियों को, जनता को फायदा ये होगा, एक तो पिरूल भी आपसे बचेंगे, दूसरी चीजें उस पिरूल को खरीद के उनको रोजगार के अवसर दिए जाएंगे। और इसमें एक चीज और है कि उस पिरूल को खरीद के यदि उसमें होता है तो जनता के ही विकास कार्य में उसको लगाया जाएगा। उमेश, जिस हिसाब से ग्रामीणों से पिरूल खरीद और ब्लॉक बनाकर ईंधन के रूप में इसका इस्तेमाल किया जाएगा, क्या इसको लेकर ग्रामीण और शहरों के लोगों को भी इस प्रोजेक्ट से अलग अलग लाभ मिल सकता है? ग्रामीणों को तो जहां तक है, जब वो पिरूल बेचेंगे, जिसको अभी तक निष्प्रयोग बना जाता था उसको बेचेंगे तो उनको रोजगार मिलेगा, इकट्ठा करने वालों को रोजगार मिलेगा, और सेंचुरी पेपर मिल के अंदर जब उसके लिए प्लांट लगेगा तो उसमें भी ठेकेदार के द्वारा, सेंचुरी के द्वारा लोगों को रोजगार दिया जाएगा। ये यहाँ के लिए बहुत बड़ी व्यवस्था है। सेंचुरी CFR के तहत ये जो व्यवस्था कर रही है, 50 लाख रुपया उन्होंने सिर्फ इसी काम के लिए रखा हुआ है, और इसके अलावा CFR के तहत इस वित्तीय वर्ष में 3 करोड़ रुपया खर्च करने का उनका प्रोग्राम है। उमेश, इस नए प्रोजेक्ट में ऐसा क्या खास है कि जंगलों में आग से बचने में सहायता मिलेगा? जी, आज मैक्सिमम कारण है जंगलों में आग लगने के, उत्तराखंड के जंगलों में आग लगने की स्थिति आती है, वो चीड़ के पेड़ पे झड़ी हुई पत्तियां होती है, जिसको हम पिरूल कहते हैं। क्योंकि चीड़ का पेड़, चीड़ की पत्तियां, पूरा चीड़ बहुत ज्वलनशील माना जाता है, तो आए दिन जंगलों में, विशेषकर गर्मियों के दिनों में आए दिन आग लगती रहती थी। इससे वो आग लगने का मामला बंद हो जाएगा, क्योंकि जब उसकी पत्ती इकट्ठी करके बेच दी जाएगी
तो वहाँ मैं समझता हूँ कि 70% आग लगने की घटनाएं कम हो जाएंगी। इस प्रोजेक्ट को लेकर मुख्यमंत्री से भी मुलाकात की गई थी, जेपी नारायण ने मुख्यमंत्री से मुलाकात की थी, इस दौरान क्या कुछ चर्चा हुई इस प्रोजेक्ट को लेकर? जी, हमारे माननीय मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी का एक ड्रीम प्रोजेक्ट था कि इस तुरुन को किसी प्रयोग में लाया जाए जिससे दलों में दावा दल की जो घटनाएं हैं, जो अपनी कांड की घटना है, वो कम हो जाए। तो जब जेपी नारायण जी, उमेश, तमाम जानकारी के